की बालुड़ी खरी खरी सट्यो बालो मुझे पुंगड़ा बंदर एया बंदर हुए या कालो गुड मॉर्निंग नमस्ते पहलाक एंड वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो गाइज कैसे हो आप लोग, आई होप ठीक होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो गाइज आज आप लोगों को पता है कृष्ण जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी हमारे देश और हमारे राज्य उत्तराखंड मेरे गांव में बड़े जबरदस्त धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि आज जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो आज का दिन बड़ा खास होता है। तो आज मैंने भी कुछ खास सोच रखी है घर पे। हेलो, हम जलेबी बना रहे हैं, आप भी खाने आओ। कैसी होती है जलेबी? बहुत अच्छी होती है। कैसी कलर की होती है जलेबी? अच्छी वाली होती है। अरे कलर कौन सा होता है, रंग कौन सा होता है? पीला हरे। पीली और हरी रंग की जलेबी कब खाई है तूने? पहले तो खाई थी। पहले खाई? हाँ, तूने खाई थी। आज हम लोग घर पे जलेबी बना रहे हैं, तो किस किस को खिलाएगी तू जलेबी आज? दादी को। हाँ। कैया को। हाँ। दादी को। हाँ। पापा को भी। So guys, आज मैं घर पे जलेबी बनाने वाला हूँ, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, तो आज के दिन घर पे स्वीट बनाते हैं हम लोग जलेबी, जो हमारे देश के और हमारे राज्य की फेवरेट डिश है, स्वीट डिश है जलेबी। तो आज मैं घर पे ही बनाने वाला हूँ, तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा घर पे जलेबी कैसे बनते हैं, क्योंकि जलेबी हमारे उत्तराखंड में एक ऐसा स्वीट डिश है कि हर कार्य, मतलब चाहे बर्थडे हो या फिर कुछ भी अच्छा काम होता, तो जलेबी एक कॉमन सी बात रहती है हमारे उत्तराखंड में। तो सो आज मैं आज घर पे ही जलेबी बनाने वाला हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि जलेबी कैसी बनती है। तो मैंने सोचा यार दुकान से लेने से अच्छा मुझे जब खुद जलेबी बनाने आती है, तो क्यों ना घर पे बनाया जाए जलेबी और बच्चों को भी खिलाया जाए, क्योंकि अंशु जो है वो डेली बोल रही थी कि जलेबी लेके आओ जलेबी लेके आओ। मैंने सोचा आज घर पे ही जलेबी बना दी, कि इससे अच्छा मौका जलेबी बनाने का घर पे नहीं है। तो मैंने आज खुद घर पे मैं जलेबी बनाने वाला हूँ, तो आप लोगों को दिखाऊंगा जलेबी कैसी बनती है। देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी जलेबी बना रखी है मैंने, सिर्फ आधा किलो बैटर, आधा किलो मैदा है ये, और आधा किलो शुगर है, और आधा लीटर ऑयल लिया था मैंने। और ये देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी जलेबी बना रखी है मैंने, ये देख लो। तो सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि मैं अभी घर पे जलेबी बनाने वाला हूँ, और मैंने जलेबी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी की जलेबी कैसे बनाते हैं। तो ये कपड़ा है, ये जीन्स का जो कपड़ा है, ये जीन्स का कपड़ा काट के मैंने इस पे हल्का सा छेद किया, जो जलेबी का बैटर था वो जो कली भिगा दिया था मैंने जलेबी का बैटर। तो दिखाता हूँ आपको कि घर में कितने आसानी से जलेबी बना सकते हैं आप लोग। तो गाइस जलेबी बनाने के लिए आपको मैदे की जरूरत पड़ेगी, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, आपके परिवार में कितने मेंबर हैं उस क्वांटिटी से। जैसे मेरे घर में 5 मेंबर हैं, तो 5 मेंबर के लिए मैंने सिर्फ आधा किलो मैदा लिया, आधा किलो शुगर लिया, आधा लीटर ऑयल लिया मैंने। तो मैंने इसको 12 घंटा पहले ही मैदा को भिगा दिया था, कल रात को भी मैदा भिगा दिया था, मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि लाइट नहीं थी, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। आधा किलो मैदा लिया मैंने, उसमें हल्का इनो डाला और थोड़ी सी दही डाली और हल्के गुनगुने पानी में मैंने उसको घोल बना दिया। आपका रेडी, उसको 12 घंटे तक अच्छे से ढक्कन लगा के किसी बर्तन में रख लीजिएगा, और उसके बाद आप जब जलेबी बनाने के टाइम आएगी आपको, उससे आधा घंटा पहले आपको क्या करना कि आधा लीटर पानी लेना है और उसमें शुगर सिरप शुगर डाल के उसको अच्छे से पका के आपको साइड में रख देना है। उसके बाद जलेबी बनाना कितना इजी, जलेबी एकदम इजी है जितना हम लोगों को लगता है कि जलेबी बनाना बहुत टफ है, लेकिन जलेबी बनाना उतनी आसान। तो गाइस ये है मेरी आज की कुकिंग, कृष्ण जन्माष्टमी पे स्पेशल आज है, मैंने घर पे ही जलेबी बनाई है, तो सो आ जाओ जलेबी खाने। कौन कौन खाएगा वो जलेबी? अंशु खाएगी जलेबी, मैं खा रहा हूँ जलेबी घर पे बनाया। ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने घर पे बनाया, ऐसा लग रहा कि होटल से, मतलब बाजार से लेके आए होंगे, बहुत जबरदस्त टेस्ट आ रहा है। तो चलो मैं करता हूँ जलेबी एंजॉय। अब तो सो गाइस अभी दिन की बजरी 1 और मैं जा रहा थोड़ा गांव साइड घूमने के लिए, क्योंकि आज व्रत है, तो मतलब एक त्योहार है, तो क्या सीन है गांव की साइड, दुकान की साइड, रोड साइड। तो मैं थोड़ा जा रहा हूँ देखने के लिए कि कुछ खास है गांव साइड की नहीं है, क्योंकि आज जो व्रत होता है ना वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो देखता हूँ क्या सीन है गांव में। तो
तो सो चलो गांव की ओर चलते हैं। तो गाइस अभी पहुंच गया मैं ठीक अपने गांव के बीच में, एंड जो ये घर दिखाई दे रहा है, ये जो ये वाले घर दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे अभी कोई नहीं रहते हैं। लोगों ने ऐसा कर दिया, प्लान का मतलब ये नहीं कि मतलब घर छोड़ के कहीं और चले गए, यहाँ से शिफ्ट होकर मतलब रोड साइड चले गए। तो जो ये मोहल्ला है, अभी यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, अभी मतलब गिने चुने लोग रहते होंगे, नहीं तो पहले पूरा गांव जो था वो इसी साइड में बसा हुआ था, जस्ट अपने जो पंचादी चौक है, पंचादी चौक मतलब ये पूरा गांव वालों का चौक है, जहाँ पे मतलब जो भी गांव का मतलब कार्य होता है तो सब इसी में होता है। और ये हमारा मिलन केंद्र है, देख सकते हैं यहाँ पे ये गाँव के बीचों बीच में है, ये मतलब गाँव का सेंटर में है। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ पंचादी चौक। सो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं दुकान में और यहां पे बन रही है जलेबी, तो दिखाता हूं मैं आपको। अभी यहां पे भी जलेबी बन रही है गांव में, छोटा सा बाजार लगा हुआ है और यहां पे बना रहे हैं हमारे सरपंच जो है वो जलेबी बना रहे हैं। तो अभी आपको मिलाते हैं अपने सरपंच से, और बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं, बहुत अच्छे कारीगर हैं जलेबी का। आप एक बार अगर इनके हाथ की जलेबी खाएंगे तो आप भी इनके बहुत बड़े फैन। और असिस्टेंट यहाँ पे प्रवीण सिंह राणा, देख सकते हो आप जलेबी सजाते हुए। गाइज मैं आ रखा हूँ अभी गांव में और ये मैं हमारा पंचादी चौक है, देख सकते हैं कितना बड़ा पंचादी चौक है, ये हमारा पूरा पंचादी चौक है ये। और मैंने सोचा कि गांव में पहले की तरह रौनक होगी, कि मतलब जैसे व्रत का त्यौहार रहता तो गांव में बड़ी रौनक रहती थी, लेकिन ऐसा कुछ माहौल नहीं है, खाली जलेबी बन रही है, ऐसा मार्केट नहीं लगा हुआ है, शायद कोरोना काल की वजह से भी ज़्यादा मार्केट नहीं लगा हुआ है, नहीं तो गांव में बहुत हलचल रहती थी, बड़ा रोमांचक माहौल रहता। तो घूमने के लिए ना याद बजा आप म्यो लगे लॉकडाउन चाचा की जो है ना गांव में एक परंपरा रहती है बंदर भगाने की, हर गांव से मतलब हर परिवार से एक एक आदमी डेली बंदर भगाएगा, तो चाचा की आज बंदर भगाने की ड्यूटी है। रखण की बालुड़ी खरी खरी सट्यो बालो मुझे पुंगड़ा बंदर एया बंदर हुए या कालो। सो गाइस अभी मैं दुकान से घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दुकान में आ रखा था, क्योंकि मम्मी और पापा का फास्ट है, तो फास्ट के लिए मैं यहाँ केले के लिए आ रखा था, लेकिन केले तो मिले नहीं, लेकिन एप्पल बचे थे यहाँ पे आधा किलो, तो मैं इनको लेके चलता हूँ, क्योंकि जो दुकान है वो काफी दूर है यहाँ से, तो इतना दूर धूप में कौन जाएगा, तो मैं बोला चलो पहले लेके चलता हूँ, बनाना तो मिले नहीं, तो सो चलो चलते हैं अभी घर। हम की 5 बज रहे और मैं आ रखा हूँ अपने डाना गौशाला। मैंने बताया ना मैं अभी डेली की ड्यूटी हो गई यहाँ आने की, तो मैं आ रखा हूँ यहाँ गाय भैंस को चारा देने के लिए। तो देख सकते हैं अभी मौसम कितना जबरदस्त मौसम है, यहाँ से क्लियरली मतलब जो ये डाने दिखा है पीछे, ये वाला दिख रहा है, ये तुंगनाथ का डाना है, तुंगनाथ का पहाड़ है ये, इसको रावण शिला भी बोलते हैं, एंड जस्ट इसके इस साइड में तुंगनाथ है और उस साइड में बद्रीनाथ है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है मेरा गांव का, ये देख लो एकदम क्लियर, क्योंकि आज मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि देख सकते हैं आप लोग एकदम क्लियर व्यू आ रहा है। एंड जो ये धार है इसके पीछे है नौली नेल, एंड उसके पीछे हो गया आपका मंडल साइड हो गया, गोपेश्वर साइड हो गया, चुमन साइड। तो गाइस आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब याद से करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।